टू एडयूडिया क्लासेस। होप यू आर डूइंग वेल, प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिसोल्यूशन का समझा, उससे रिलेटेड अकाउंटिंग हमने समझी और एक एग्जाम्पल भी हमने डिसोल्यूशन पे किया। उसी सीरीज में अभी हमने जो पिछली क्लास में डिस्कस किया है वो ये मानते हुए डिस्कस किया है कि जो पार्टनर्स हैं वो सारे सॉल्वेंट पार्टनर हैं। कैसे पार्टनर हैं? सॉल्वेंट। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है कि अगर पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाते हैं, इनसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, क्या डिस्कस करना है बेटा हमें? इनसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। पार्टनर अगर इनसॉल्वेंट हो जाते हैं तो फिर किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा, ठीक है? इनसॉल्वेंसी का मतलब अगर हम समझें तो कह रहे हैं व्हेन अ पार्टनर इज अनेबल टू पे हिज डेट ड्यू टू द फर्म, फर्म की वजह से जो पार्टनर का डेट है, पार्टनर की जो लायबिलिटी है, उसके हिस्से की जो लायबिलिटी है, अगर वो लायबिलिटी पार्टनर नहीं पे कर पा रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उसके पास बिल्कुल कुछ पैसा नहीं, वो भिखारी है ना। इंसॉल्वेंट का मतलब ये होता है उसकी लायबिलिटीज ज्यादा है और वो लायबिलिटीज अपनी पूरी पे ऑफ नहीं कर पा रहा है, इस वजह से हम उसे क्या कह दे रहे हैं? इंसॉल्वेंट। तो अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस डिसोल्यूशन करते समय अकाउंटिंग पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, किस तरीके से अकाउंटिंग की जाएगी, वो बात आज हमें इस टॉपिक में डिस्कस करनी है, ठीक है? इस बात के लिए हमारे पास गार्नर वर्सेस मरे इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में किस तरीके से अकाउंटिंग की जाएगी, किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड रूल है जिसे हम कहते हैं गार्नर वर्सेस मरे रूल। बेटा बेसिकली ये केस लॉ है और वो केस लॉ कोर्ट का डिसीजन आया और उसी डिसीजन को बाद में हमने प्रैक्टिस मान लिया और अकाउंटिंग में आज भी हम उसी डिसीजन को फॉलो करते हैं। काफ़ी पुराना डिसीजन है और उस डिसीजन को आज भी हम इंसॉल्वेंसी के केस में फॉलो करते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। हमारा चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन में अगर सारे डिसोल्यूशन का स्टार्ट किया था, सारे पार्टनर अगर सॉल्वेंट हैं तो हमने सारे स्टेप डिस्कस कर लिए थे किस तरीके से डिसोल्यूशन होना है। बट अगर पार्टनर आपके क्या हो जाते हैं? इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो उसके केस में इंसॉल्वेंट जो पार्टनर है, जो अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर पा रहा है, तो सॉल्वेंट पार्टनर पे क्या जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, इस बात का कैसे अकाउंटिंग किया जाएगा, ये हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। और किस बेसिस पर डिस्कस करना है? एज पर गार्नर वर्सेस मरे रूल, ठीक है? चलो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली क्या सिचुएशन आने वाली है, फिर पूरी अकाउंटिंग की बात प्रॉपर करेंगे। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आप ये समझ लीजिएगा कि अकाउंटिंग में आपको दिक्कत नहीं। एक केस लॉ लेते हैं जो गार्नर वर्सेस मरे रूल, इसी का एक केस लेते हैं और उस केस के डिसीजन के बेसिस पे हमें अकाउंटिंग करनी है, हम डिस्कस करेंगे। हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लीजिए गार्नर मुरे और विल्किन, ये तीन पार्टनर हैं। गार्नर मुरे और विल्किन तीन पार्टनर हैं और उनकी फर्म की ये बैलेंस शीट दी गई है। बैलेंस शीट के पास इस फर्म में टोटल 20 लाख के एसेट हैं। गार्नर की कैपिटल है 5 लाख की, इसकी 4 लाख की और इसकी 2 लाख, तो टोटल कैपिटल हो गई 11 लाख। लायबिलिटीज है 9 लाख की। इनका जो PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, दैट इज 1:1:1 और फर्म डिसॉल्व हो रही है। पहले देखिए फर्म के डिसोल्यूशन से रिलेटेड जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो एज इट इज एप्लीकेबल, जो हमने सॉल्वेंसी के केस में डिस्कस किए। देखिए जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स हैं, वो कॉमन रहेंगे। केवल डिफरेंस किस बात को आएगा, वहां पर क्या था कि सारे पार्टनर सॉल्वेंट थे तो हम बाद में उनका पेमेंट कर देते थे, ठीक है? और यहाँ पर क्या होगा कि इस पार्टनर में कुछ इंसॉल्वेंट होंगे तो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनका क्या ट्रीटमेंट करना है वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। चलिए हम मानते हैं ये फर्म को काफ़ी लॉसेस हो रहे थे और जिसकी वजह से ये डिसाइड किया गया कि फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए और फर्म के सारे एसेट बेचे गए। ये एसेट बेटा 8 लाख रुपए के। जनरली जब भी डेफिशिएंसी का केस होगा तो जो एसेट बिकेंगे, रियलाइजेशन होगा, वो लॉस में होगा जनरली, ठीक है? तो ये 8 लाख के बिकेंगे, 20 लाख के एसेट 8 लाख में बेचे, रियलाइजेशन में आपका लॉस होगा। बोलो बेटा कितने का लॉस होगा? 12 लाख। इस यहाँ के बाद की सिचुएशन देखते हैं, ये बिक गए आपकी, तो इसकी सिचुएशन देखते हैं किस तरीके से पार्टनर का हम हिसाब करेंगे। गार्नर है, मरे है और विल्किन है,
इनकी कैपिटल कितनी थी बेटा? 5 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। कोई रिजर्व है नहीं, अगर रिजर्व होता तो वो भी क्रेडिट कर दिया जाता, बट अभी हमने बिल्कुल सिंपल बैलेंस शीट दी है कि कोई रिजर्व और कोई सिचुएशन नहीं है। तो सीधे सीधे अब जो रिवाइजेशन से हमारा लॉस हुआ है 12 लाख का, उस लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया TSR में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो गार्नर के हिस्से में 3 लाख रुपए का लॉस आया, मरे 3 लाख रुपए, और विल्किन के हिस्से में 6 लाख रुपए का लॉस आया। इसको एडजस्ट करने के बाद सिचुएशन क्या बची कि गार्नर की क्रेडिट कैपिटल बची 3 लाख रुपए की, मरे की 1 लाख रुपए की, और इसकी डेबिट कैपिटल आ गई 4 लाख रुपए, इसकी देनदारी आ गई। ठीक है, अब मुद्दा क्या हुआ बेटा, एक प्रॉब्लम और भी समझिए। ये जो 8 लाख रुपए के एसेट बिके हैं, अगर इससे हम लाइबिलिटीज, पहले हमें लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी होगी, तो अगर हम लाइबिलिटीज का पे ऑफ करेंगे तो लाइबिलिटीज है 9 लाख रुपए की, लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं हो पाएगा पूरा। मतलब हमारे पास इतने एसेट नहीं है, फर्म के पास इतने एसेट नहीं है कि पूरी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दिया जाए, डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए सिचुएशन क्या बनेगी, विल्किन के ये जो 4 लाख रुपए की डेफिशिएंसी बन रही है, सिचुएशन ये बन रही है, और विल्किन क्या हो जा रहे हैं, इनसॉल्वेंट, इनके पास कुछ पैसा नहीं है, इंसॉल्वेंट हो जा रहे हैं। लेकिन पूरे सिचुएशन में घटनाक्रम में फर्म से गार्नर को 3 लाख रुपए देने हैं, मरे को 1 लाख रुपए चाहिए, विल्किन 4 लाख रुपए लेके आएगा, और फर्म के एसेट बिके हैं कितने के, 8 लाख रुपए के, और लाइबिलिटी का पेमेंट होना है 9 लाख रुपए का। ये पूरी सिचुएशन है बेटा। अब यहाँ पर जो विल्किन है जिसको पैसे लेके आना है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब उससे अब पैसा नहीं मिल पा रहा है। जो 4 लाख रुपए, अगर वो 4 लाख रुपए लेके आए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो जो 4 लाख रुपए आएंगे लेके आएंगे, सारे हिसाब ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत क्यों अराइज हो रही, बिल्कुल सॉल्वेंसी वाली सिचुएशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, किसी पार्टनर को घर से पैसे लेके आना है, इसका मतलब इंसॉल्वेंट नहीं है वो। ऐसी सिचुएशन सॉल्वेंसी के केस में भी हो सकती थी। इंसॉल्वेंसी में नई बात क्या आएगी कि ये जो उसे 4 लाख रुपए लेके आने हैं, कि इसके पास 4 लाख रुपए नहीं है लेके आने के लिए, तो ये इंसॉल्वेंट कहलाएगा। अब ये जो लॉस हो रहा है, इसको कैसे एडजस्ट किया जा रहा है, ये इस गार्नर वर्सेस मरे रूल में बताया गया। ठीक है, अगर ये 4 लाख रुपए लेके आने की क्षमता होती इसमें, तो फिर यहाँ पर गार्नर वर्सेस मरे रूल नहीं लगता, ये 4 लाख रुपए लेके आ जाता, नॉर्मल हम कैपिटल अकाउंट बंद कर देते, कैश में बैलेंस ट्रांसफर कर देते, ऑटोमेटिकली कैपिटल का और कैश का अकाउंट आपका क्लोज हो जाता, क्वेश्चन खत्म हो जाता। सॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर जो हमने पिछले केस में, पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, उसके बेसिस पे होता। बट यहाँ पर नई सिचुएशन क्या है कि जो थर्ड पार्टनर विल्किन है, जिसे पैसा लेके आना है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो आज इस क्षमता में नहीं है कि वो पैसे लेके आ सके। अब इस सिचुएशन को हमें कैसे हैंडल करना है, ये बात हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो बेटा अब होगा क्या, जरा सिचुएशन केस की अगर हम बात करें, तो गार्नर मान लीजिए मरे से कहता है, देख भाई मरे, तू एक काम कर, म्यूरे कहिए, आप मरे कहिए, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि आप एक काम करो, ये जो 4 लाख रुपए हैं ये आप लेके आ जाओ। मरे कहता है कि नहीं नहीं, ये आप लेके आ जाओ। दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है कि ये 4 लाख रुपए को कौन बियर करेगा, कौन लेके आएगा, जो कि विल्किन को लेके आना चाहिए था, लेकिन अब वो नहीं लेके आ पा रहा है, तो कौन लेके आएगा। बेटा पार्टनरशिप एक्ट की बात करी गई, तो इस केस से पहले पार्टनरशिप एक्ट में ये लिखा था कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसका जो लॉस होगा वो सॉल्वेंट पार्टनर बियर करेंगे, लेकिन ये नहीं लिखा था कि किस रेशियो में बियर करेंगे, कैसे बियर करेंगे, क्या सिचुएशन होगी, ये बात नहीं। तो ये मैटर बेटा कोर्ट में गया। कोर्ट में जब ये मैटर डिसाइड हो रहा था, तो डिसाइड काफी कोर्ट के प्रोसेस को समझते समय लगता है, समय लगते लगते इस दौरान अभी भाई ये लाइबिलिटीज है, कोर्ट में 4-5-6 साल का समय लग गया, ये लाइबिलिटीज है, इनका पैसा भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये लाइबिलिटीज वाले जज साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि साहब हमारा पेमेंट तो करा दीजिए, भाई हम तो फालतू में फंसे हुए हैं, झगड़ा गार्नर और मरे का है और हम फालतू में फंसे हुए हैं। तो कोर्ट सबसे पहला डिसीजन ये देता है कि भाई गार्नर और मरे, जब ये डिसीजन आएगा वो बाद में आएगा कि क्या होना चाहिए, बट इनिशियली आप एक काम क्या करिए, ये जो लॉस है आपका रिवाइजेशन का 3 लाख रुपए और 3 लाख रुपए आपके आपके हिस्से का, इस लॉस के बराबर पहले आप कैश ले आओ, हिसाब बाद में हो जाएगा, बट ये जो लॉस आपका दिख रहा है ना 3 लाख रुपए के बराबर का, और आपका भी इतने के बराबर आप पहले पैसा ले आओ। तो अब बेटा सिचुएशन क्या बन जाएगी, 8 लाख रुपए था प्लस 3 लाख रुपए गार्नियर लेके आ जाएगा, और
3 लाख रुपए हमारे लेके आ जाएगा, तो कितना हो गया, 14 लाख हो गया बेटा। अब आसानी से क्या हम लाइबिलिटी को पे कर देंगे? हाँ, अब लाइबिलिटी को आसानी से पे कर दिया जाएगा। लाइबिलिटी को पे कर दिया गया, केस फिर ये आगे बढ़ने लगा, लाइबिलिटी पे ऑफ हो गई, केस आगे बढ़ने लगा। और बाद में फिर कोर्ट ने क्या एक डिसीजन और दिया, उस बात को समझा देता हूँ। कोर्ट ने कहा कि इनकी प्राइवेट, आपने पढ़ा है पार्टनरशिप में क्या होता है, लाइबिलिटी पार्टनर की कैसी होती है, अनलिमिटेड। तो अगर उनका कोई प्राइवेट एसेट्स हैं वो भी यहाँ पर अटैच कर दिए जाएंगे। तो कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो विल्किन है इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी आप बेचो, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी सेल होने के बाद उस पर जो प्राइवेट लाइबिलिटीज है पहले उनका पे करो, और बाद में कुछ बचे तो यहाँ पर फर्म में लेके आ जाओ। तो मान लीजिए विल्किन की प्राइवेट प्रॉपर्टीज बेची गई और प्राइवेट जो लाइबिलिटीज थी उनको, हो सकता है उसके फर्म के अलावा कोई उसकी लाइबिलिटीज हो, उनको सेट ऑफ किया गया, और बाद में वो कितना पैसा लेके आ पाए, 1 लाख रुपए उसके प्राइवेट स्टेट से आ गए। कहाँ से आ गए बेटा, उसके प्राइवेट स्टेट से। ये कहाँ से आ गए, रिकवरी फ्रॉम प्राइवेट स्टेट, ये प्राइवेट स्टेट से। अब ये जो 3 लाख की अभी भी डेफिशिएंसी है, इस डेफिशिएंसी का क्या ट्रीटमेंट होना है, ये ट्रीटमेंट आपका गार्नर वर्सेस मरे रूल में बताया जाएगा, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या होना है हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ स्टेप्स की, बात करते हैं। कि अगर इंसॉल्वेंसी के केस का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करोगे, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे, ये बात हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप देखिए, जो पहले 4 स्टेप हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये बिल्कुल आप वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जैसे आप सॉल्वेंसी में करते थे। अगर पार्टनर सॉल्वेंट होते थे, डिसोल्यूशन में जो नॉर्मल सॉल्यूशन आपका होता था, क्या करते थे आप, पहला स्टेप था कि सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को आप कहाँ ट्रांसफर कर देते थे, उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में, मतलब आप रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते थे, आप कैश अकाउंट ओपन करते थे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन करते थे, और भी अगर अदर कोई होते तो जैसे पार्टनर्स लोन अकाउंट है वो ओपन करते थे। इन सबको ओपन करने के बाद एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते थे, कैपिटल के बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट में चले जाते थे, कैश का बैलेंस कैश में चला जाता था, लोन का बैलेंस लोन में चला जाता था। इतना काम आप अदरवाइज करते ही थे। देखिए जो स्टेप वन था सॉल्वेंसी में, वही स्टेप यहाँ पर भी है, इस बात से तो फर्क ही नहीं पड़ना है। इंसॉल्वेंसी की बात तो बाद में आएगी, इनिशियली जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस था एज इट इज आपको फॉलो करना है, अकाउंट्स ओपन करने हैं, सारे बैलेंस शीट को खाली करना है, मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, बिल्कुल एज इट इज सेम वही स्टेप लगेंगे जो पिछली सिचुएशन में लगते थे, सॉल्वेंसी के केस में लगते थे, कुछ भी डिफरेंट नहीं। समझ में बात आई? तो देखिए स्टेप वन क्या कह रहा है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर है, और कैश अकाउंट, इनको ओपन करिए, और फिर कह रहा है ट्रांसफर ऑल बैलेंस शीट आइटम टू रिस्पेक्टिव अकाउंट एट बुक वैल्यू। नॉर्मल जैसे क्वेश्चन करते थे वैसे करिए। तो आपने कल की क्लास में, पिछली क्लास में, फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो कॉन्सेप्ट सीखा था वो एज इट इज यहाँ पर भी चलेगा, यहाँ पर बस थोड़ी सी बात एड ऑन हो जाएगी। तो ये अभी भी वही बात हो रही है। फिर कह रहा है रिवाइज ऑल एसेट, सारे एसेट रिवाइज किए जाएंगे और लाइबिलिटीज का पे ऑफ कर दिया जाएगा, ऐसा ही हम वहां पर कर रहे थे। फिर रियलाइजेशन का जो डिफरेंस आएगा, वहां पर डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता था, जनरली यहां पर क्या होता है कई बार लॉस की सिचुएशन हो जाएगी, आप कोई भी सिचुएशन हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो अगर प्रॉफिट या लॉस जो भी अराइज होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट को हम बंद करेंगे, और जो भी बैलेंस आ रहा है वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट एंड ट्रांसफर बैलेंस लॉस और प्रॉफिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, नहीं कहाँ ट्रांसफर करेंगे, टू रियलाइजेशन में नहीं, रियलाइजेशन का बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी हमने देखा, अभी ये जो ऊपर हमने डिस्कशन किया था, बेसिकली ये जो 3 लाख, 3 लाख और 6 लाख का जो आप एडजस्टमेंट कर रहे थे यही तो कर रहे थे कि जो लॉस हुए तो आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, कहाँ से एडजस्ट कर दिए, कैपिटल अकाउंट में। तो स्टेप फोर में वही बात कह रहा है, स्टेप वन था अकाउंट ओपन करिए, स्टेप टू बैलेंस शीट को सारे आइटम को ट्रांसफर करिए, एसेट्स का रियलाइजेशन करिए, लाइबिलिटीज का पे ऑफ करिए जितना हो जाता है, ठीक है उनका पे ऑफ करिए, और उनका पे ऑफ करने के बाद रियलाइजेशन का जो बैलेंस आ रहा है वो पार्टनर्स के कैपिटल कर लीजिए,
यहां तक की जो बातें थी, देखिए मैंने लिखा हुआ है यहां पर आपको एज इन केस ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, ये जो चार स्टेप रखने हैं, ये जो चार स्टेप रखने हैं बिल्कुल उसी तरीके से यूज होने हैं जैसे सॉल्वेंसी का केस था। अब चार स्टेप लगाए आपने, कैपिटल के बैलेंस से सब कुछ ट्रांसफर किया, रिजर्व रिजर्व सारा एडजस्टमेंट कर दिया। जब वो फाइनल पेमेंट की बात आती है, कैश के पेमेंट की बात आती है, तो पता चला कि ये जो थर्ड पार्टनर, कोई एक पार्टनर था, उससे पैसे लेने हैं। भाई ऐसा हो सकता है ना, फाइनल जो पेमेंट होता था कैपिटल अकाउंट को जब हम बैलेंस करते थे, तो या तो किसी पार्टनर को देने होंगे या किसी पार्टनर से लेने होंगे। तो मान लीजिए एक पार्टनर है जिससे, जिसका डेबिट बैलेंस आ रहा था, उससे पैसे लेने थे, और वो पार्टनर क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो पैसे देने की पोजिशन में नहीं होता है। अब क्या ट्रीटमेंट होंगे यहाँ पर, ये बात हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। कह रहे हैं ऑल सॉल्वेंट पार्टनर विल ब्रिंग कैश बाय देयर प्रोपोर्शन टू द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। देखिए अगर एक पार्टनर की ये क्षमता ना बनती, कौन सी वाली, उसकी डेफिशिएंसी ना होती, मतलब वो पैसा पे करने की क्षमता में होता, तो फिर ये स्टेप फॉलो नहीं होते, वो पैसा दे देता, सेटलमेंट हो जाता। बट अब जो तीसरा पार्टनर था वो पैसा देने की पोजिशन में नहीं, तो अब क्या करेंगे, अब ये गार्नर वर्सेस मरे रूल अट्रैक्ट हो जाएगा। अब इस रूल के हिसाब से वो इंसॉल्वेंट हो गया, इस रूल के हिसाब से सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो सॉल्वेंट पार्टनर है उनसे भी ये कहा गया है कि जो लॉस आपका नजर आ रहा है, कौन सा लॉस, जो आपने रियलाइजेशन का जो लॉस हुआ है उतने के लॉस के बराबर का जो आपका प्रपोर्शन आ रहा होगा हर पार्टनर का, सॉल्वेंट पार्टनर का, इंसॉल्वेंट नहीं, भाई इंसॉल्वेंट तो कुछ लेके ही नहीं आ पा रहा है, तो उसका जो लॉस है उसकी बात नहीं हो रही है, जो सॉल्वेंट पार्टनर हैं वो अपने लॉस के प्रपोर्शन के बराबर का कैश लेके आएंगे फर्म में, तो ये पार्टनरशिप में एंट्री हो जाएगी। यस और नो, बोलो बच्चों, ये कैश लेके आ जाएंगे बाई कैश, इनके कैपिटल अकाउंट पर एंट्री हो जाएगी। तो कह रहा ऑल सॉल्वेंट पार्टनर विल ब्रिंग कैश बाय देयर पोर्शन ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है बेटा, समझ में आई। रिकवर द प्राइवेट स्टेट ऑफ द इनसॉल्वेंट पार्टनर बैलेंस आफ्टर एडजस्टिंग द प्राइवेट लायबिलिटी। अगला स्टेप क्या होगा बेटा, कि जो इनसॉल्वेंट पार्टनर के प्राइवेट स्टेट हैं उनको बेच के उनसे रिकवरी की जाए। बट उसमें ध्यान क्या रखना है, पहले अगर वो प्राइवेट स्टेट पे कोई अदर लायबिलिटी है, प्राइवेट लायबिलिटी जिसे कहा जा रहा है, पहले उसको पे ऑफ करेंगे और बाद में फिर जितना बचेगा वो फर्म के लिए लेके आ जाएंगे। जैसे कि मैंने वहां कहा था 1 लाख रुपए बचा था तो वो हमने उससे फर्म में लेके आ गए। ठीक है, नाउ द डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर आर बॉर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर एज पर गवर्नेंस वर्सेस मनी। बस कुछ नहीं है बेटा, ये जो डेफिशिएंसी है 3 लाख रुपए की, इस डेफिशिएंसी को गार्नर और मरे कैसे बियर करेंगे, इस बात के एडजस्टमेंट को यहां पर एड ऑन कर दिया गया। अभी तक का बाकी क्वेश्चन नॉर्मल जैसे होता था वैसे ही होगा। तो कह रहे हैं कैसे बियर करेंगे, कह रहे हैं दो केस हैं किस बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कैसे बियर करेंगे वो 3 लाख के लॉस को। कह रहे अगर फर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रही है, सॉरी अगर फर्म फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रही है, द फर्म मेंटेन्स कैपिटल एट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। आपने पढ़ा होगा कैपिटल अकाउंट दो तरीके के होते हैं, फर्म दो तरीके से मेंटेन कर सकती है, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट प्लस करेंट अकाउंट और एक फ्लक्चुएटिंग, सारे एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड में क्या होता है कि इनिशियली जो कैपिटल होती है फिक्स बनी रहती है, ड्यूरिंग द पीरियड के जितने भी एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट से लेके, इंटरेस्ट से लेके, जो भी ड्रॉइंग से लेके, वो सारे एडजस्टमेंट कहाँ होते हैं, करेंट अकाउंट में होते हैं। और फ्लक्चुएटिंग एक ही कैपिटल अकाउंट होता है, फ्लक्चुएटिंग में वो सारे एडजस्टमेंट उसी अकाउंट में होंगे, बार बार की आपकी कैपिटल क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो कह रहे हैं कि अगर फर्म फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रही है, अपने अकाउंट कैपिटल अकाउंट को फिक्स्ड कॉन्सेप्ट पे मेंटेन कर रही है, तो डेफिशिएंसी विल बॉर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर फिक्स्ड कैपिटल रेशियो। तो ये जो डेफिशिएंसी है, ये जो 3 लाख रुपए की, इसको गार्नर और मरे अपनी फिक्स्ड कैपिटल का जो बैलेंस होगा, करेंट अकाउंट के बैलेंस की बात नहीं कर रहे, फिक्स्ड कैपिटल का जो बैलेंस होगा उस बैलेंस के हिसाब से, उस फिक्स्ड कैपिटल के रेशियो में इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये लॉस होगा
लॉस कहाँ चला जाएगा, गार्नर और मरे में जो सॉल्वेंट पार्टनर होंगे, तो टू डेफिशिएंसी किसकी, थर्ड पार्टनर, टू साइड आ जाएगा, कितना कितना आएगा, किस रेशियो में, कैपिटल, किस रेशियो में आ जाएगा, कैपिटल। देखिए क्वेश्चन में, इफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन, तो डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग क्रिएटेड बैलेंस ओनली इन द रेशियो ऑफ कैपिटल बैलेंस जस्ट बिफोर डिसपोजल। अब यहां पर कह रहे हैं कि अगर वो कैसा कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग, तो कह रहे हैं केवल वो पार्टनर जिनकी कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो गई हो, उसकी कैपिटल ही डेबिट बैलेंस आ रहा हो, उसमें क्रेडिट नहीं, मतलब उसको खुद ही लेके आना हो, बट वो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, वो लेके आ रहा है, वो अपना हिस्सा तो लेके आएगा लेकिन इंसॉल्वेंट का हिस्सा बियर नहीं करेगा। मेरी बात को समझना, इस बात को, तीन पार्टनर है मान लीजिए ए बी और सी। सी को, सी का डेबिट बैलेंस निकल के आया है 4 लाख रुपए, बी का डेबिट बैलेंस ए बी सी डी, मान लीजिए चार पार्टनर है, चलो तीन ही मानो, ए बी सी, सी का डेबिट बैलेंस निकल के आया है 4 लाख रुपए, बी का डेबिट बैलेंस है 50,000 रुपए का, और ए का क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद सी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब 4 लाख रुपए लेके आने की पोजीशन में नहीं, जब उसके स्टेट बेचे गए 1 लाख के बिक गए, 3 लाख रुपए अभी भी डेफिशिएंसी है जो लेके नहीं आ रहा है। अब जो ए और बी, ध्यान देना, ए का क्रेडिट बैलेंस है, बी का डेबिट बैलेंस है, मतलब बी को लेके आना, बट बी इंसॉल्वेंट नहीं है, तो जो लॉस है, जो आपका डेफिशिएंसी है सी की, वो डेफिशिएंसी सी की बी बियर नहीं करेगा, ए बियर करेगा। अब ए अकेला सॉल्वेंट है तो पूरी डेफिशिएंसी ए बियर करेगा, और अगर दो सॉल्वेंट होते तो डेफिशिएंसी दोनों बियर करते रेशियो में। ये किस बेसिस पे, कौन सा रेशियो डिसाइड किया जाता है, किस बेसिस पे, कि वो कैपिटल अकाउंट किस पे मेंटेन कर रहे हैं, फिक्स्ड पे मेंटेन कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग पे मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर अगर मान लीजिए जो सॉल्वेंट पार्टनर है उनमें से अगर कोई एक पार्टनर ऐसा हो जाता है जिसका खुद का डेबिट बैलेंस है, मतलब क्रेडिट नहीं, खुद का डेबिट बैलेंस, उसको खुद कुछ लेके आना है, तो फिर वो डेफिशिएंसी को बियर नहीं करेगा, डेफिशिएंसी को केवल बियर कौन करेगा, कौन करेगा, वो सॉल्वेंट पार्टनर जो क्रेडिट। आपका अगर डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप भी इंसॉल्वेंट हो गए, इंसॉल्वेंट तो तब हो गए जब आपको पैसा लेके नहीं आ पा रहे, बट आप अगर उस पैसे को लेके आने की पोजीशन में हो तो आप सॉल्वेंट हो, उस केस में जो इंसॉल्वेंसी का लॉस होगा इंसॉल्वेंट पार्टनर का, वो आपको बियर नहीं करना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं। तो और ये कैपिटल जो लेनी है फ्लक्चुएटिंग के केस में कौन सी लेनी है, जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन से तुरंत पहले की, कैसे निकालेंगे, कह रहे हैं कैपिटल ऑफ सॉल्वेंट पार्टनर, जो इंसॉल्वेंट है उसकी नहीं। फिर अगर कोई रेक्टिफिकेशन है एरर के, कोई रेक्टिफिकेशन है अगर एरर वगैरह, तो वो एडजस्ट हो जाएगा, बढ़ रही होगी कैपिटल या कम हो रही होगी। कोई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है बैलेंस शीट में, वो एडजस्ट हो जाएंगे। जनरल रिजर्व है बैलेंस शीट में, वो एडजस्ट हो जाएंगे। केवल रियलाइजेशन के प्रॉफिट को छोड़कर, रियलाइजेशन वाला प्रॉफिट एडजस्ट नहीं होना है। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वगैरह है तो वो एडजस्ट हो जाएंगी, और ड्रॉइंग वगैरह है वो एडजस्ट हो जाएंगी। ये इसके बाद ये जो कैपिटल आ गई, ये कब आ गई बेटा, जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन से तुरंत पहले की बेटा कैपिटल आ गई, जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन की कैपिटल आ गई। तो इस कैपिटल इसी तरीके से, और हाँ, ये कैपिटल अगर कैसी आ जाए, अगर ये डेबिट हो सकती है क्रेडिट, अगर क्रेडिट आएगी तब तो कंसीडर करेंगे, और अगर डेबिट आ जाएगी तो हम इसे कंसीडर नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस। तो बेटा क्या सीखा आज के इस कॉन्सेप्ट में, हमने क्या सीखा कि अगर इंसॉल्वेंसी का केस भी है तब भी क्वेश्चन को हम नॉर्मल ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे कि हम सॉल्वेंसी में करते हैं। क्या स्टेप्स थे? हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करेंगे, कैश अकाउंट ओपन करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे, अगर लोन है तो लोन का अकाउंट ओपन कर देंगे, सारे एसेट्स को, लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल के बैलेंसेस को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, लोन के बैलेंसेस को लोन में, कैश के बैलेंसेस को कैश में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, कोई जनरल रिजर्व, कोई लॉस प्रॉफिट वगैरह है उन्हें भी हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। इतना करने के बाद एसेट्स को रियलाइज करेंगे जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया होगा, जिस वैल्यू पे, और अगर जो भी क्वेश्चन में कहा होगा कि पार्टनर लेके चला गया, जो कुछ है वो सिचुएशन अकॉर्डिंगली हम हैंडल करेंगे, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर रखी है, उनको हैंडल करने के बाद लायबिलिटी का पे ऑफ करेंगे। लायबिलिटी पे ऑफ होने के बाद
फिर अगर कोई फिर ये देखेंगे बैलेंस निकालेंगे किसका, रियलाइजेशन अकाउंट का, अगर उसमें प्रॉफिट आ जाता है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, झंझट खत्म। सर अगर प्रॉफिट आता है क्या तब भी इंसॉल्वेंसी का केस हो सकता है? हाँ तब भी इंसॉल्वेंसी का केस हो सकता है, बट जनरली इंसॉल्वेंसी का केस तब हो रहा होगा जब लॉस आ रहा होगा। तो अगर लॉस आया तो लॉस हम सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंक्लूडिंग इंसॉल्वेंट। किस रेशियो में? किस रेशियो में? जो उनका पीएसआर होगा, ध्यान रखना जो रियलाइजेशन का लॉस है वो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर क्या होगा बेटा, फिर जो लॉस है अब उस लॉस पर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमें ये पता चला कि एक कोई पार्टनर है जिसका डेबिट बैलेंस आ रहा है उसकी कैपिटल का और उसे पैसा लेके आना है। तो अगर उसे पैसा लेके आना है बट वो इस पोजीशन में नहीं है कि पैसा लेके आए, मतलब वो पैसा नहीं लेके आ पा रहा है, उसके पास पैसे नहीं, मतलब वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो फिर क्या करेंगे? अगर इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन हो गई तो जो हमारे सॉल्वेंट पार्टनर हैं उनसे क्या कहा जाएगा, आप कैसे लेके आइए अपने लॉस के बराबर, और इंसॉल्वेंट पार्टनर के स्टेट बेचे जाएंगे, उससे प्राइवेट जो उसकी लाइबिलिटी होंगी उनको पे ऑफ किया जाएगा, जो बचेगा उसे फर्म के लिए लेके आ जाएगा। फिर जो नेट डेफिशिएंसी बचेगी, नेट डेफिशिएंसी को जो सॉल्वेंट पार्टनर हैं वो बियर करेंगे। किस रेशियो में कैसे बियर करेंगे वो आपको गार्नर वर्सेस मरे रूल में बताया गया। तो कहते हैं वो कैसे बियर करेंगे, दो कॉन्सेप्ट हैं। अगर वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, जो पार्टनरशिप में जो कैपिटल का बैलेंस है वो फिक्स्ड पे मेंटेन हो रहा है, तो जो डेफिशिएंसी है वो सॉल्वेंट पार्टनर उस फिक्स्ड कैपिटल के रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर। बट अगर वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो हम उनकी कैपिटल निकालेंगे जस्ट बिफोर द डिसोल्यूशन, सारे एडजस्टमेंट, ये जो सैलरी के, इंटरेस्ट के, ड्रॉइंग के, प्रॉफिट के, जनरल रिजर्व के, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद। देखिए अगर फिक्स मेंटेन कर रहा होगा तब तो एडजस्टमेंट सारे किसमें हो रहे होंगे, करेंट अकाउंट में, तो कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो जो फिक्स कैपिटल है उसी पे देंगे। लेकिन अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद केवल कौन सा एडजस्टमेंट छोड़ के, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस है उसको छोड़कर सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल का बैलेंस निकल के आएगा उस बैलेंस पे जो रेशियो बनेगा उस रेशियो से हम क्या करेंगे, डेफिशिएंसी को चार्ज करेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो सॉल्वेंट पार्टनर है। बट इसी प्रोसेस में जो सॉल्वेंट पार्टनर है बट किसी की कैपिटल का बैलेंस डेबिट आ जाता है, मतलब उसे खुद ही लेके आना है पैसा, तो फिर वो इस डेफिशिएंसी, इंसॉल्वेंसी की वजह से डेफिशिएंसी हुई है, उस डेफिशिएंसी को वो बियर नहीं। होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप इस कॉन्सेप्ट के लिए आप एक काम करिए, ICAI मॉड्यूल जो CA स्टूडेंट हैं वो इलस्ट्रेशन नंबर 2, और अगर कोई और भी अगर इस चैप्टर को देख रहा है CA स्टूडेंट के अलावा, तो बेटा वो आप अपना कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए जो इंसॉल्वेंसी का है, क्वेश्चन आपको सॉल्व कैसे करना है, आप ऐसे सॉल्व करिए कि पार्टनर कैसे हैं, सॉल्वेंट है। जब बात इंसॉल्वेंसी की आ जाए तो इसी तरीके से आप टेबल बना लीजिएगा जैसी मैंने ये टेबल बनाई हुई थी, डेफिशिएंसी निकाल लीजिएगा, उसके प्राइवेट स्टेट से एडजस्ट कर दीजिएगा, जो नेट डेफिशिएंसी बचे वो आप हमें रिमेन जो सॉल्वेंट पार्टनर है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनके कैपिटल का केसेस देख लीजिएगा अकॉर्डिंगली उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। कल आप अगली क्लास में आप क्या करेंगे, या ब्रेक के बाद, अगली क्लास में नहीं कह रहा हूँ, ब्रेक के बाद, ये हाफ एन आवर की आपकी क्लास हो रही है, छोटी क्लास है क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म हो गया है, और इसके बाद ब्रेक के बाद आपकी जो दूसरी क्लास होगी, जो सेकंड पार्ट होगा, उस सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन 2 डिस्कस करेंगे। आज तो पहले आप इस ब्रेक के दौरान थोड़ा सा समय लेके इस इलस्ट्रेशन को आप खुद से सॉल्व करिए, क्योंकि इसके 90% कॉन्सेप्ट वही है जो हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़े हुए हैं। इलस्ट्रेशन आप खुद से सॉल्व करिए, बाद में फिर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा और ये कॉन्सेप्ट आपका होगा। ठीक है, होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, थैंक यू।